अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, आज हम ना कॉक एंड बुल पे इनका प्लेटर का बड़ा नाम सुना था, वो ट्राई करने आए हैं। सुना है कि बहुत लजीज है, तो ये मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ और ये मेरे दोस्त शुरू करने लगे हैं इनका प्लेटर खाने के लिए। सो लेट्स सी ये क्या रिव्यू देते हैं, इनको टेस्ट कैसा लगता है। जगह है जी ये कॉक एंड बुल, लोकेटेड ऑन चैनवन रोड ये रिजर्ट मॉल, और ये मेरे ख्याल से फैसलाबाद का बेस्ट प्लेटर है। ठीक है, जो हमें लगता है शुआर में हमें वैसे ही इतने नहीं पसंद, लेकिन जो प्लेटर्स है ना वो हम खा लेते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटर्स। मेरा चीज़ वाला है और ये दोनों जो आप देख रहे हैं विदाउट, वो देखते हैं करेंगे रूम का शुरू। लेट्स ट्राई यार, आप ज़रा करीब आएँगे, ज़रा ये बाइट भी दिखा दें ज़रा। ये जी प्याज दिया, ये जो उस्मान भाई को बहुत पसंद है प्याज के साथ, आप ये सॉस लगाएं। और हमेशा की तरह वेरी बैलेंस टेस्ट, बहुत अच्छा प्लेटर है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है जनाब कि इनका जो सैलड है वो बहुत फ्रेश होता है हमेशा की तरह। चिकन जब भी आप आएंगे तो उसे रिक्वेस्ट भी करेंगे ये, लेकिन आप बगैर रिक्वेस्ट के भी आपको चिकन फ्रेश ही लगा के देंगे, ये इसकी स्पेशलिटी है। बाकी हम आपको सारा खा के ख़त्म करके फिर रिव्यू देते हैं। तो यार इनको कैसा लगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत बैलेंस, अच्छी तरह कुक, सैलड के साथ बिल्कुल फ्रेश जो है ना उन्होंने सर्व किया, और बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। और अगर आप लोगों की प्यास में खुद रेटिंग, तो 10 और मैं आपको ये कहूँगा कि 10 में से मैं इसको 8 नंबर दूँगा। और ये लाजमी आपको विज़िट करना चाहिए, ये चैनवन रोड पे ना PSU का पंप है, उसके कॉर्नर पे उन्होंने कॉक एंड बुल के नाम से एक छोटा सा बनाया हुआ, सो यू शुड ट्राई। जी अभी हम इसको खा रहे हैं और काफ़ी मज़ेदार, और कोई फ्रेश चिकन है। सबसे अच्छी बात यह है कि कम पैसों में बहुत अच्छी अच्छी आपकी मिल जाए, और इसका टेस्ट इवन ब्रेड फ्रेश है। कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं आपको लगेगी कि यार ये कल का या पुराना है, तो ये सच में हाईली रिकमेंडेड है, कम पैसों में बहुत अच्छा फूड है। और क्या रेटिंग देंगे आप इसकी? रेटिंग मैं आई वुड गिव हिम 9 आउट ऑफ 10, 10 में से मैं इसको 9 हूँ। अब अमरम से पूछते हैं, अमरम क्या ख्याल है, कैसा रहा? यार ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, जैसे ये हरून ने और तुमने भी बता दिया कि सॉरी तुम्हें तुम कह रहा हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यानी कि जैसे हरून ने बता दिया कि सारी चीज़ें बहुत फ्रेश हैं और यही इसका मज़ा है। आप जब आएँ तो आपको इनको कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि चिकन फ्रेश लगाएंगे या कोई इस तरह के सीन को, साथ साथ आपको फ्रेश चीज़ें ही सर्व करेंगे। अगर आप रेटिंग की बात करें तो आई विल ऑल्सो गो विद हरून, तो आई विल गिव इट अ 9 आउट ऑफ 10, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त। इट्स अ गुड वन रेटिंग। ओके।